Okay, students, so you can see this is the syllabus of the complex analysis. हम लोग complex analysis का ये syllabus आप देख सकते हैं यहाँ पे. इसमें जो है सबसे बड़ी मेन जो है हम लोग कौन कौन सा पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे वो चीज़ आपको बता रहे हैं. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे एडिशन करेंगे, कैसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये सारे सीखेंगे हम लोग. प्रॉपर्टीज सीखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर सीखेंगे. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन में बहुत सारा चीज़ प्रॉपर्टी होता है. मॉडुलस कब क्या होगा आपका, ठीक है, मॉडुलस होता है. उसके बाद मॉडुलस हो गया आपका, उसके बाद इसका आर्गुमेंट होता है. ये सारे हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन के प्रॉपर्टी में. फिर आपका जो है हाइपरबोलिक फंक्शन है आपका, फिर कॉम्प्लेक्स फंक्शन है. कॉम्प्लेक्स फंक्शन में आपका जो भी फंक्शन हम लोग पढ़े हैं सारे हम लोग कॉम्प्लेक्स की व्यू से पढ़ेंगे. जैसे साइन थीटा पढ़ते थे साइन जेड पढ़ेंगे, कॉस थीटा पढ़ते थे कॉस जेड पढ़ेंगे. यहाँ से कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल भी मिलेगा, जैसे कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है. ऐसे बहुत सारा थ्योरम्स में इसमें आएगा, जैसे आपका रोहिज थ्योरम है आपका, तो आपका उस थ्योरम इसमें भी आ जाता है आपका. और एक आपका पावर सीरीज है. पावर सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है. पावर सीरीज से हमेशा एक क्वेश्चन आपका हमेशा इस टॉपिक से हमेशा इस क्वेश्चन को आता है, इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट लिखा है. ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपका हमेशा एक क्वेश्चन आएगा. यहाँ से कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से भी, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन इससे हमेशा जो है एक क्वेश्चन आपका हमेशा आता है यहाँ पे. तो इस चीज़ को आपको समझना है. उसके बाद हम लोग ट्रांसलेटर फंक्शन पढ़ेंगे, जिसमें आपको कहते हैं TLE होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन. हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स के व्यू से पढ़ेंगे, जैसे ई टू दी पावर जेड, साइन जेड, ठीक है, लॉग जेड, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे. उसके बाद जो है एनालिटिक फंक्शन पढ़ेंगे, इसी में आपको जो है लिमिट्स सीखेंगे, कंटिन्यूटी सीखेंगे, डिफ्रेंसबिलिटी सीखेंगे, ये सारी चीज़ हम लोग एनालिटिक फंक्शन में सीखेंगे. फिर एक इंटायर फंक्शन के बारे में है, इंटायर फंक्शन का भी प्रॉपर्टी सीखेंगे, इसका एप्लीकेशन सीखेंगे हम लोग. और मेरोमॉर्फिक फंक्शन भी है, मेरोमॉर्फिक फंक्शन भी है आपका कॉम्प्लेक्स के पार्ट में. और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आपका वो सिंगुलरिटी है. सिंगुलरिटी को भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है, सिंगुलरिटी को भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे, क्योंकि ये से आपका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है. फिर कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू है, फिर सचवाज पिक लेमा है, फिर रोहिज थ्योरम है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा आपको, ठीक है, ये आपको ध्यान देंगे ये. और ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कन्फर्मल मैपिंग, यहाँ से हम लोग कन्फर्मल मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे. उसके बाद जो है बिलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग इस चीज़ में पढ़ेंगे, ठीक है. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ने वाले पॉइंट सेट टॉपोलॉजी भी पढ़ेंगे इसमें, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, कि अपेंडिक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग सीखेंगे यहाँ पे. अपेंडिक्स क्या होगा आपका, उसके बाद जो है क्लोज डिस क्या होता है, ये सारे हम लोग सीखेंगे. अपेंडिक्स, क्लोज डिस, उसके बाद जो है नेबरहुड, उसके बाद जो है लिमिट पॉइंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारी चीज़ हम लोग सब सीखेंगे. मतलब एक आपको पॉइंट सेट टॉपोलॉजी आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के फ्यू से आपको समझना है, ठीक है. ये आपका बहुत ईजी टॉपिक भी है और बहुत वेटेज टॉपिक भी है. आप इसको अच्छे से करें इसको, ठीक है. और इसको वन बाई वन आपको हम सारे टॉपिक आपका वीडियो मिलेगा आपको. तो यहाँ पे आपका मेनली जो है आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, सिंगुलरिटीज, पावर सीरीज, ये सारी जगह से आपका क्वेश्चन हमेशा फ्रिक्वेंटली आपका पूछा जाता है. तो इसके ऊपर ध्यान देंगे. ओके, थैंक यू.